बदलते समय के साथ सरहदी क्षेत्र के किसानों के कदम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। किसान अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर अधिक उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। चौहटन उपखंड के कापराव ग्राम पंचायत के भेराराम गोदारा ने अपनी 6 बीघा जमीन पर गोलाबेर उगाकर हजारों रुपए प्रतिदिन आमदनी कर रहा है। गौरतलब है कि सीमांत क्षेत्र में खेतों में बेमौसम की मार पड़ती रहती है। कृषक भेराराम ने बेमौसम फसल की मार से बचने के लिए गोलाबेर फसल उगाने का निर्णय लिया। चौहटन से विपिन भंसाली रिपोर्ट। बदलते समय के साथ सरहदी क्षेत्र के किसानों के कदम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। किसान अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर अधिक उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। चौहटन उपखंड के कापराव ग्राम पंचायत के भेराराम गोदारा ने अपनी 6 बीघा जमीन पर गोलाबेर उगाकर प्रतिदिन 150 किलो गोलाबेर बेचकर 6,000 रुपए प्रतिदिन आमदनी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीमांत क्षेत्र के अधिकांश इलाके पर जीरे तथा अरंडी की अधिक फसल उगाई जाती है, हालांकि इन दोनों फसलों पर बेमौसम की मार पड़ती रहती है। कृषक भेराराम ने बेमौसम फसल की मार से बचने के लिए गोलाबेर फसल उगाने का निर्णय लिया। कृषक भेराराम बताते हैं कि इस गोलाबेर की 300 पौधों को 5 साल पूर्व अपने फार्म हाउस में रोपे एवं 1 साल पश्चात इन पौधों की कलम की गई। फार्म हाउस में किसी प्रकार का सिंचाई का साधन नहीं था, लेकिन भेराराम ने खेत के दोनों साइडों में छोटी छोटी 2 टंकियां बनाकर सिंचाई की। वहीं ट्रैक्टर के माध्यम से इन दोनों टंकियों को भरने के पश्चात अपनी धर्मपत्नी कमला के साथ पिछले 4 साल से लगातार इन पौधों को पानी पिलाने के साथ परवरिश करते आ रहे हैं। 5 साल की कड़ी मेहनत के पश्चात इन 300 पौधों पर फल आने शुरू हो गए हैं। पिछले 2 सालों से साल के नवंबर, जनवरी, फरवरी तथा मार्च में 4 महीने लगातार प्रतिदिन 150 किलो गुलाबेर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर प्रतिदिन 6,000 रुपए कमा रहे हैं। 5 साल हो गया खेती करता ने, मरफल आता हूँ 2 साल हो गया। प्रति विभाग मैंने कई पौधा मिला, कहीं मैं आप 4 टन फल दिया। बाकी हमारे कुछ सहयोग भी किया मानता रहा मैं एक ढूंढ का प्रदीप कुमार पगारिया जी है, उन्होंने सहयोग किया हमारा पौधा दिया। कितना पौधा लगा रहा है? 300 पौधा बोल दी रहा है। वो पौधा नींबू है, वो गीड़ा है, वो पौधा अनार है। बोर्डी पौधा में महीने कितनी आवक है? हमारे करीबन 1.5 महीना चले तो ये हम करीबन 1.5 महीने में 2-2.5 लाख सिखाद हमने जैविक जैविक बना हुई है। जो आंकड़ा पता है, नीमरा पता है, जो खारो है, भतूरे का पता है, डी कम्पोजर उतरे छिड़काव करा। और 6 साल होया है पहला, 4 साल पहला लगाया बोलडिया, बोलडिया लगाना पौधा मंगाया काजरी पौधा मंगान बसे लगाया 50 पौधा पोसा पसा लगाया बस देसी बोडियाँ लाया मोलगी मोलगी लान बस हैं लगाई 300 पौधा लगाया पसा पहला 250 बेर का लगाया लगाना बस वहाँ माते टंकी ढड़ा था दो ठावी टोंक लिया एक ही साइड एक भी साइड टंकी और टैकर ढड़ा बराम बस बाल्टी वहीं सी से पानी पाता। कितने रुपये पौधा लाया था? पौधा 50 रुपया एक पौधा। अच्छा, मैं कितना पौधा पे लगाया थे डोड़ी में? टोटल 300। इन गोलाबेर को देसी खाद लेने से बेर खाने में स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भी हैं। इन गोलाबेरों के अलावा भेराराम अपने फार्म हाउस में थाईलैंड के बेर भी के 40 पौधे भी लगाए हैं, जो अगले साल यह थाईलैंड के बेर भी फल देने शुरू कर देंगे। इसके अलावा भेराराम ने अपने 6 बीघा जमीन में नींबू, गूदा, अनार के पौधे भी रोपित किए हैं। यह गोलाबेर एप्पल के समान होते हैं। इन बेरों को खाने से प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की क्षमता अधिक होती है, जिससे बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं।